नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। खदर के चांदपुरा साइफन में पानी का बहाव भी कम हुआ, वहीं सिरसा के आसपास ओटू झील में भी पानी में कमी आई है। आपको बता दें कि सिरसा जिले से गुजर रही घग्गर नदी में चौथे दिन शुक्रवार शाम को पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई। हालांकि पूरा दिन बहाव में तेजी थी, 11,900 क्यूसेक, खनौरी में 14,425 तथा गुलाचीका में 48,220 क्यूसेक का बहाव दर्ज किया गया था। हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा शुक्रवार सुबह ली गई रिपोर्ट में उसका बहाव अधिक था, लेकिन शाम 4 बजे के बाद में बहाव के अंदर कमी आई थी। अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता OP बिश्नोई ने बताया था कि अब पानी पीछे से ही कम आ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार घग्गर का जल स्तर बढ़ रहा था, वजह थी शिवालिक की पहाड़ियों में तेज बरसात। वीरवार को गुलाचीका में 52,387, खनौरी में 13,625 तथा चांदपुरा में 12,100 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया था। पंजाब के मुनक के पास घग्गर की एक सहायक नदी का तटबंध टूट जाने से कई सैकड़ों एकड़ में पानी फैल गया था, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दावा किया था कि जिले में गुजर रहे चांदपुरा साइफन में पानी की कमी आएगी। वहीं शुक्रवार सुबह 6 बजे चांदपुरा में पानी का बहाव 12,500 क्यूसेक दर्ज किया गया था, जबकि खनौरी में 14,150 तथा गुलाचीका में 50,774 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था और शाम होते होते बहाव कम हो गया था। इसकी वजह ये रही थी कि पीछे तटबंध टूट जाने के कारण पानी काफ़ी फैल गया था, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आपको बता दें कि घग्गर में पानी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण कई बार सिरसा शहर में बाढ़ आ चुकी है। हालांकि फिलहाल काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। अगर पानी का बहाव कम रहा तो आने वाले समय में शायद बड़ा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है और इससे अधिक होता है तो हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाएगी। इन बरसाती नदियों में और सहायक नदियों में बरसात का पानी आना अति आवश्यक भी है, क्योंकि भूमिगत जल का रिचार्ज होना भी आवश्यक है। बरसात नहीं की होने के कारण काफ़ी भूमि ऐसी है, कई रकबे ऐसे हैं जहां पर वो डार्क जोन में आ चुके हैं। घग्गर नदी में आने वाला पानी हजारों लाखों किसानों के लिए एक संजीवनी लेकर आता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पानी सिंचाई के काम भी आने लगा है। कई नहरें और माइनर यहाँ से निकाल दिए गए हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल ऑटो से सुनील कुमार लुमरिया की एक विशेष रिपोर्ट।